जी व्यूअर्स, तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं बिंद्रा नायके टर्मिनल पे, एयरपोर्ट श्रीलंका, और यहाँ पर हमारा जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? खैरियत ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ जी जनाब, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एयरपोर्ट पे और अब हमारी सीरीज़ आज से स्टार्ट होने जा रही है, इंटरनेशनल सीरीज़ स्टार्ट हो रही है सीज़न वन के तौर पे, और जिसमें हमारा पहला जो विज़िट है वो थाईलैंड का है। तो हमने श्रीलंकन एयरलाइन में टिकट बुक करवाया है थाईलैंड का, जो यहाँ से शाम को 6 बजे की फ़्लाइट है और 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। रात को कोई 10-10:30 बजे कोलंबो में उसकी लैंडिंग है, फिर वहाँ पे 2.5-3 घंटे का स्टे है और उसके बाद फिर 1 बजे वहाँ से फ़्लाइट है और कल सुबह को जाके हम लोग बैंकॉक पहुँचेंगे। गले के लिए माजरत, पिछले चंद दिनों से मेरा गला बड़ा ख़राब हुआ हुआ है, तो जब तक गला ठीक नहीं होता आपको मेरी यही आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो चलें अब इंटरनेशनल। गला तो ख़राब नहीं है लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई हूँ और मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा और कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर लग रहा। क्यों क्यों कंफ्यूज हो गई हैं? बस वैसे ही डर लग रहा है, खुशी में अच्छा बहुत हो रही है लेकिन वो मेरी बोलती बंद हो गई है। अच्छा जी, इनका फर्स्ट ट्रिप है इंटरनेशनल का, तो इस वजह से इनकी बोलती बंद हुई हुई है और इनसे बोला नहीं जा रहा लेकिन बोले भी जा रही हैं। अच्छा चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला अभी हम एयरपोर्ट पर हैं और वहाँ से हमने एंट्री ले ली है अंदर की तरफ। अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, 2:30 बजे को स्टार्ट होगी बोर्डिंग, 4 घंटे पहले ही बुला लिया था, तो अभी थोड़ा सा टाइम है उसका, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी बोर्डिंग वगैरह होती है तो हम आपको आगे आगे अपने साथ सारी चीज़ें दिखाते जाते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप जुड़े रहें हमारे साथ इस चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और यह है कि जितनी भी चीज़ें अब इसमें होती जाएंगी तो वो हम आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह हमने वीज़े लिए थे, किस तरह हमने तकरीबन ई वीज़ा लिया है, सिर्फ थाईलैंड का हमारा स्टिकर वीज़ा है, बाकी सारे वीज़े हमने ई वीज़ा अप्लाई किए हैं। तो राजपूत ट्रैवल वालों के रेफरेंस से हमने ये सारे वीज़े लिए हैं। मैं आपको राजपूत ट्रैवल वालों का भी इसमें लिंक दे दूँगा, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, बड़े अच्छे और बेहतरीन उनका तरीक़ेकार है, सर्विसेज है, और जो है ना वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं वो। जी बिल्कुल, हर तरह से पूरा आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा, और ये पूरी एक वीडियो अलग से आपके साथ बनाऊंगा कि वीज़े किस तरह से अप्लाई करें और कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाने के लिए, आप एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए या दूसरी चीज़ें जिस भी मकसद के लिए आप करना चाहते हैं, घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए, तो वो आप किस तरह से करें। जी तो इंशाल्लाह ताला वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे टाइम टू टाइम। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारे साथ एक थोड़ा सा ये हुआ था कि मुझसे ये हो गया कि मैंने वो करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, तो मुझे ज़्यादा करवानी थी एक साथ ही, क्योंकि इंटरनेशनल पे चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं और ट्रांजेक्शन्स पे, तो मैंने वो ज़्यादा करवानी थी तो वो मैं करवा नहीं सका, क्योंकि मेरे पास लिमिट फिर इसमें 2.5 लाख रुपए की थी, सिर्फ 2.5 लाख रुपए की मैंने करेंसी चेंज करवाई है, कुछ यूरो लिए हैं, कुछ डॉलर लिए हैं, तो क्योंकि डॉलर जिस समय करवा रहा था ट्रांसफ़र करवाने थे, उसके पास अपना लिमिट नहीं थी, उसके पास सिर्फ 300 डॉलर पड़े हुए थे, तो फिर 300 डॉलर लिए और 540 यूरो ले लिए, कोई 2.5 लाख रुपये में 540 यूरो आ गए। और अपना एयरपोर्ट पर तो आपको पता ही है कि रेट मार्केट से कुछ ज़्यादा होता है, तो मुझे थोड़ा सा कुछ मेरी गलती है, कुछ मैं कल करवा लेता 2.5 लाख के और कुछ आज करवा लेता तो मेरे लिए मामला थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन अब वो मुझसे गलती हो गई है तो गलती को तो भुगतना पड़ेगा। चले अल्लाह मालिक है, अब देखें क्या होता है।
जी व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं लाउंज में और हमारी बोर्डिंग्स वगैरह हो चुकी हैं और शायद श्रीलंकन एयरलाइन अपने उसमें लग भी गई है, तो हम लोग जाते हैं आगे की तरफ। और लोग हाँ बहुत भूख लगी हुई, हमने कुछ खाया क्योंकि कहीं से कुछ मिला नहीं है और रोज़ाना हारा था नहीं आज का, सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला। उठे थे देर से, रात को देर से सोए थे तो उठे थे देर से, तो सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला। तो अब देखते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए हमें, और उसके बाद जो है ना फिर वो निकलते हैं आगे की तरफ। तो जुड़े रहे हमारे साथ, बोर्डिंग हो गई है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये मेरे पीछे आपको रंग नज़र आ रहा होगा, मैं अभी इसको सेट करता हूँ। हाँ जी, चेक इन हो गया है हमारा श्रीलंकन एयरलाइन में। अब हम आपको दिखाते हैं, हम लोग अब जा रहे हैं लंदन की तरफ। अभी हम आपको दिखाते हैं तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं बिंद्रा नायके टर्मिनल पे, एयरपोर्ट श्रीलंका। और यहाँ पर हमारा लेओवर है 3-3.5 घंटे का और हमने वेट करना है यहाँ पर। तो हम जा रहे हैं दूसरी फ्लाइट के सेटअप के इंतज़ार में, तो चले देखते हैं। We'll be right back.
हैं अपना भिंद्रा नायक एयरपोर्ट पे। हमारा लेआउट था डायरेक्ट बैंकॉक की फ़्लाइट नहीं थी, एक स्टॉप था, और श्रीलंकन एयरलाइन में आए थे तो कोलंबो में भिंद्रा नायक एयरपोर्ट पर हमारा जो है ना वो 3-3.5 घंटे का लेवर है। तो अभी हम लोग मौजूद हैं भिंद्रा नायक एयरपोर्ट श्रीलंका में, कोलंबो में। ठीक है जी, तो अब माशाल्लाह से इसका जो वेटिंग एरिया है वो ऐसा है कि किसी मॉल से तो कम नहीं है। और दूसरी बात कि जो फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस है, ज़रा मोहतरमा से पूछते हैं कि आपका फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा गया? बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको जहाज़ उड़ने का और फिर उतरने का और वहाँ का खाना? वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत मज़ा आया, थोड़ा सा डर लगा। हाँ शुरू। अच्छा जी, ये इनका फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था तो थोड़ा सा डर भी लगा, थोड़ा सा खौफ भी था, और थोड़ा सा ये समझ लेंगे मज़ा भी आ रहा था। लेग रूम भी हमारा अच्छा था और सर्विसेज बहुत अच्छी थी इनकी, हॉस्पिटलिटी श्रीलंकन एयरलाइंस की, तो बड़ा मज़ा आया। और 3.5 घंटे कैसे गुजर गए हमें पता नहीं चला। और चले, अब हम पहुंच गए भिंद्रा नायक एयरपोर्ट पे, तो थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट, घुमाते भी हैं और फ्रेश भी होते हैं, चाय कॉफ़ी भी पीते हैं, फिर जो है ना वो आपको पूरा एयरपोर्ट भी दिखाते हैं और जो टर्मिनल एरिया है इसका वो भी दिखाते हैं और सारी चीज़ें बता देंगे। अभी ड्यूटी फ्री में किस तरह से कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, अभी मैंने ड्यूटी फ्री पे आते हुए देखा है तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी और बड़ी सस्ती थी। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, का टाइम है इसके चलने का, तो अभी हम लोग थके हुए हैं बहुत, हालत इतनी ख़राब हो रही है कि हाँ जी इनके सर में बहुत दर्द हो रहा है और
टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया था लेबर पे, फिर हमने घूम फिर के थोड़ा बहुत टाइम गुजारा जैसे करके, लेकिन ये अब नींद आ गई है, तो हम चाह रहे हैं बस ये उड़े और हम सो जाएं। तो चले अब आपसे मुलाकात होती है कल मॉर्निंग में। हाँ जी, तो आपको मील मिलेगा, अब आपसे मुलाकात होगी कल मॉर्निंग में बैंकॉक से।